जामताड़ा जिला पशुपालन पदाधिकारी जामताड़ा की अध्यक्षता में जिला पशुपालन कार्यालय जामताड़ा के सभागार में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी जामताड़ा डॉक्टर विद्या सागर ने बताया कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में जिन जिन लाभकों को आपूर्ति कर दी गई है उसमें से कितने लाभकों के खाते में स्थानांतरित की गई है उसकी सूची यादव हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में लक्ष्य से डेढ़ गुना ज्यादा आवेदन लेना है एवं 50% के लाभ को 50% अंशदान करवाने के लिए प्रेरित करना है। केंद्र संचालित राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत फेज 3 के सफल संचालन हेतु जिले के सभी डॉक्टर को कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छे से काम करने को कहा गया। इस बैठक में पशु शल्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी नाला डॉक्टर विश्वनाथ टोप्पो, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी फतेहपुर डॉक्टर रविज्ञान सुमन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी कुंडहित डॉक्टर सुबोध जितेन हसदाक, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी मिहिजाम डॉक्टर मुन्नी मुर्मू, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी नारायणपुर डॉक्टर श्रीनिवास सिंह, पशुपालन विभाग के लिपिक श्री सुनील प्रसाद, आनंद कुमार, नंदन कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट आरपी भारत जामताड़ा। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का को कार्यान्वयन करना और लाभुकों का चयन करना और कृत्रिम गर्भाधान कार्य को और ज़्यादा बढ़ाना और ज़्यादा प्रोग्रेस करना या प्रगति लाना।